जी क्या मान्यता है इस मंदिर की? राम भगवान चला ना भैया, देख कभी आए वनवास पे तब यहाँ आए, फिर कहा यहाँ एक चरण छोड़ गए, फिर आगे गए। किस दिन पूजा होती है? इतवार को। कैसी भीड़ होती है? देखो भीड़ काफी होती है। जी क्या मान्यता इस मंदिर में, बताते हैं भगवान राम आए थे यहाँ पे? इतिहासकारों की माने तो रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष को मिटाने के लिए उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से जब इसकी जानकारी चाही कि ब्रह्म हत्या का दोष कैसे हटेगा उनके ऊपर से, तो उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का अनुकुज ब्राह्मण होता है, जब आप वहां जाके अपने हाथों से कानकुज ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे तब आपके ऊपर से ब्रह्म हत्या का दोष हटेगा। तो माना जाता है भगवान श्री राम अयोध्या आने के बाद कन्नौज आए थे। यहाँ ये चिंतामणि मंदिर, ये चिंतामणि गांव है, यहाँ पक्का घाट हुआ करता था गंगा जी के किनारे, यहाँ उन्होंने स्नान किया था। आगे कन्नौज शहर में एक इमारत है, काफी प्राचीन इमारत है, कहा जाता है कि सीता रसोई है, माँ माता सीता ने खुद अपने हाथों से भोजन बनाया था। भगवान श्री राम ने कन्नौज के ब्राह्मणों को भोजन कराया अपने हाथों से और उसके बाद से ही उनके ऊपर से ब्रह्म हत्या का दोष हटा। माना जाता है कि उसी टाइम भगवान श्री राम जी जब यहाँ आए थे तो उनकी चरण पादुकाएं यहाँ रह गई थी, वो चरण पादुकाएं इस मंदिर में रखी हैं। यहाँ हर इतवार के दिन भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं, यही इस मंदिर की मान्यता है।